नमस्कार दोस्तों, राइट टू दंगा या राइट टू हेल्थ, यानी कि दंगा करने का अधिकार या अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिकार। जनता को आखिर क्या चाहिए? क्या जनता को दंगा करने का अधिकार चाहिए या अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार चाहिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या 2024 के चुनावों के लिए यह हो सकता है विपक्ष का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए कि जनता को क्या चाहिए? एक ऐसा माहौल जहां दंगे किए जा रहे हों, यह एक ऐसा माहौल जहां आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य की बात की जाए। आज मैं खबर आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर आई है। और वो खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, राइट टू हेल्थ बिल को राज्यपाल की मंजूरी। याद कीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के प्रति अधिकार का बिल लेकर आते हैं। इसका विरोध निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स करते हैं और उन्हें साथ किसका मिलता है? बीजेपी का साथ मिलता है। जी हां, वो बीजेपी जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अपनी पालतू मीडिया के जरिए भ्रामक खबरें फैला रही थी, दंगे करवाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी के इस पत्रकार पर पुलिस केस भी हुआ था। मगर हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की तो डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बातचीत हुई और वो हड़ताल खत्म हो गई। पूरी खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं एक एक करके। विधानसभा में 21 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ। बिल को लेकर राज्य में 16 दिन तक निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स ने हड़ताल की। डॉक्टर्स इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे, जबकि सरकार ने बिल वापस लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ डॉक्टर्स के साथ मीटिंग भी हुई। आखिरकार डॉक्टर्स और सरकार के बीच में सहमति बन गई। दोस्तों, न सिर्फ ये सहमति बनी और किन शर्तों पर सहमति बनी, मैं चाहूंगा आप इस बात पर भी गौर करें, वो आपके सामने है। इन मांगों पर बनी थी सहमति। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के दौरान डॉक्टर्स पर दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाएंगे। अस्पतालों को फायर एनओसी हर साल लेनी होती थी, लेकिन अब हर 5 साल में फायर एनओसी लेनी होगी। नियमों में बदलाव करना होगा तो उस दौरान आईएमए के 2 डॉक्टर्स शामिल होंगे। यानी कि आखिरकार एक बिल पारित हो गया जिसमें इस देश की जनता की भलाई जो है उसका जिक्र है। मगर कार्यक्रम का शीर्षक क्या है दोस्तों, कार्यक्रम का शीर्षक यह है कि जनता को क्या चाहिए, राइट टू दंगा या राइट टू हेल्थ। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ को लेकर जो पारित किया है, क्या वो बाकी राज्यों में भी लागू कर सकते हैं और क्या यह एक नियम, एक नजीर, एक मिसाल साबित हो सकती है इस देश की जनता के लिए? तो जनता के सामने मॉडल एकदम साफ है। एक तरफ हमारे सामने दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो अक्सर शिक्षा के अधिकार के प्रति जो है कटिबद्ध रहती है, उसी तरह से अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता को राइट टू हेल्थ को लेकर एक बड़ी पेशकश जो है वो सामने रखी है। मगर दूसरी तरफ राइट टू दंगा का मॉडल क्या है, मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के बारे में झूठी खबर फैलाई जाती है कि करीब 1 दर्जन बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और यह अफवाह कौन फैलाता है दोस्तों, यह अफवाह भारतीय जनता पार्टी के नेता फैलाते हैं। नतीजा यह होता है कि इनका एक पालतू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार होता है, उस पर एनएसए लगाया जाता है, जो मेरे हिसाब से नहीं लगाया जाना चाहिए था। मगर सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी सामने उभर कर आती है। और यही नहीं, इस अफवाह को फैलाने में भी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स आगे थे। बड़ा प्रश्न, ना तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार है ना बिहार में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी चाह क्या रही है? क्या वो बिहार और तमिलनाडु में एक किस्म का युद्ध चाहती है, टकराव चाहती है? क्या वो तमिलनाडु की जनता जो देश के दूसरे हिस्सों में घूम रही है उसकी जान जोखिम में डालना चाहती है, या बिहारी मजदूरों की जान को और ज्यादा जोखिम में डालना चाहती है तमिलनाडु के अंदर? ये झूठ क्यों कहा गया, ये दंगा नुमा सोच क्यों? मगर बात वहां नहीं रुकी। अभी बिहार पुलिस ने पर्दाफाश किया है दोस्तों, और उस पर्दाफाश में क्या बात सामने आई है कि नालंदा जिले का जो बजरंग दल का प्रमुख था,
उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अफवाह फैलाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के कई हिस्सों में सांप्रदायिक टकराव हुआ। और बात यहां नहीं रुकी, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और वो क्या करने जा रहे थे? वो दंगा करवाने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोकशी करवाई, गाय की हत्या करवाई हिंदू महासभा के लोगों ने। मकसद था मुसलमानों को फंसाना, मकसद था सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना। मैं आपको 3 मिसाल दे चुका हूं दोस्तों। इन तीनों मिसालों में या तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है या उनके सहयोगी संस्थाएं, और सबसे बड़ी बात, बेशक उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ने इस पर एक्शन लिया, मगर इस बड़ी घटना पर ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान सामने आता है, और इन तीनों घटनाओं में से किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं आता है इसकी आलोचना करते हुए। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा कि इस देश की जनता को क्या चाहिए, दंगा करने का अधिकार या अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति अधिकार। अब 2 और शहरों पर गौर कीजिए। नुपुर शर्मा और देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, नुपुर शर्मा एक कार्यक्रम में जाती हैं, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देती हैं, भारत इससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मिंदा होता है, भारतीय उद्योगों के जो गुड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनका बॉयकॉट मध्य पूर्व में शुरू हो जाता है, यहां पर सरकार बुरी तरह से हिल जाती है। विदेश मंत्रालय यह बयान जारी करता है कि ये हाशिए पर बैठे नेता हैं, मुख्य धारा के नेता नहीं है, जबकि आप जानते हैं नुपुर शर्मा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। शर्मिंदा होके भाजपा को नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ता है। उसी तरह से अनुराग ठाकुर, याद कीजिए इनका नारा, देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके बाद क्या होता है, 2 युवा शाहीन बाग और जामिया मिलिया में प्रवेश करते हैं, गोलीबारी शुरू करते हैं। यानी यहां पर भी दंगा भड़काने का एक प्रयास, एक कोशिश, एक नापाक कोशिश। और ये जो दोनों मिसाल मैंने आपको दी है वो क्या बतला रहा है? वो राइट टू दंगे की सोच बतला रही है। अब इसकी तुलना कीजिए अशोक गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य के प्रति आपका जो पहला अधिकार होना चाहिए वो लेकर आई थी, दोनों की तुलना कीजिए। उसी तरह से जो मॉडल अरविंद केजरीवाल शिक्षा का पेश करने की कोशिश कर रहे थे उसकी तुलना कीजिए दंगाई सोच से। बात यहां नहीं रुकती, आपके स्क्रीन्स पर टी राजा सिंह, तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी का विधायक, महाराष्ट्र में घूम घूम कर यह व्यक्ति दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। आपके स्क्रीन्स पर सांसद प्रज्ञा चाकू रखने की हिमायत करती हैं, ये सांसद हैं और ये दोनों भाजपा के नेता हैं। टी राजा सिंह जिस तरह से महाराष्ट्र में गली गली घूम रहे थे और दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी उग्र हुआ था। आपके स्क्रीन्स पर जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, दोनों ने सख्त टिप्पणी की थी। दोनों ने कहा था कि आपको रैली निकालने का अधिकार है मगर दंगा भड़काने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। यहां तक कि जस्टिस जोसेफ ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक, शक्तिहीन तक करार दिया था। ये तमाम मिसाल बता रही है दोस्तों कि सत्ता में बने रहने के लिए खुद सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी के सांसद भड़काऊ बयान देते हैं। ये राइट टू दंगे की सोच नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए ना। ये तो इनके नेता हो गए, और ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं, मैं आपको ढेरों अन्य मिसाल दे सकता हूं। आइए मैं आपको मिलवाता हूं इनके पसंदीदा पत्रकारों से। सुदर्शन न्यूज का यह संपादक, ये कई जगहों पर देखा जाता है भड़काऊ बयान देते हुए, इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अदालत लगातार सवाल पूछ रही है कि क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, मगर ये आदमी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार भड़काऊ बयान दे रहा है, यानी कि राइट टू दंगे की सोच। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार, इसने क्या झूठ बोला था याद है आपको? इसने कहा था कि अलवर में जो बुलडोजर चला है वो प्रतिशोध है जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर का, यानी कि एक झूठी खबर बताई, इस पर पुलिस केस हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि इसे बचाने वाले बहुत से लोग थे, ऊपर से
कांग्रेस सरकार की ढीली सोच। यह क्या सोच बतलाती है? क्या आपने कभी इसके प्राइम टाइम कार्यक्रम देखे हैं? सिवाय अनर्गल बातों के, भड़काऊ बातों के और कुछ नहीं होता है दोस्तों। यह कौन सी सोच है? क्या यह राइट टू दंगा वाली सोच तो नहीं? मैं सवाल कर रहा हूं। और फिर आज तक का यह पत्रकार जो मजार जिहाद पर शो कर रहा था, यह सोच क्या बतलाती है दोस्तों? याद कीजिए, जब यह जी न्यूज में था तो इसने 15 किस्म के जिहादों पर एक शो किया था। यानी कि जो भड़काऊ सोच जी न्यूज में थी वो और भी ज्यादा परवान चढ़ रही है आज तक में आके। आज तक में आके तो मोरबी पुल हादसे में जो लोग मारे जाते हैं, मारे गए लोगों को ये आदमी दोष मढ़ता है सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को बचाना है। इन तमाम पत्रकारों की सोच क्या बतला रही है दोस्तों? ये सिर्फ समाज के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, बार बार फैलाना चाहते हैं। इन पर जो पुलिस केसेस हैं वो इस बात का जीता जागता प्रमाण हैं। और फिर मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए, राइट टू दंगा या राइट टू हेल्थ, राइट टू दंगा या राइट टू एजुकेशन? ये तो छोटी छोटी मिसालें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, देश के गृहमंत्री अमित शाह, आप अगर इनके बयानों को खंगालें तो हर चुनावी भाषण में कोई ना कोई आपत्तिजनक बयान दिखेगा। अमित शाह पर गौर कीजिए, इन्होंने 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तुलना कसाब आतंकवादी से कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिन्होंने हाल ही के उत्तर प्रदेश चुनावों में कहा था कि यह चुनाव 20% बनाम 80% है, और ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो करिश्माई नेता हैं वो भी भड़काऊ बयान देते हैं। प्रधानमंत्री, ऐसे में आपको खुद से सवाल करना होगा कि आप देश की जनता को किस तरफ झोंकना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यह देश की जनता दंगों की तरफ अग्रसर हो या एक सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर हो? और एक बार फिर जनता से वही सवाल कि आपको क्या चाहिए, राइट टू दंगा या राइट टू शिक्षा, राइट टू दंगा या राइट टू हेल्थ? फैसला आपका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।